काजल 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 नाम सुनकर आज कितने दिनों बाद मेरे नाम से किसी ने मुझे पुकारा है। लेकिन बुआ एक बात याद रखिएगा, आपकी दुनिया में ये राज सिर्फ आपको मालूम है और सिर्फ आपको ही मालूम है, वरना तो जानती है जो अपनी बहन का ये हाल कर सकती है वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी, समझी? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सुना तुमने? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? हाँ, क्या बिगाड़ा है? देखो, मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन ये नाइंसाफी की सजा तुम उस बिचारी निर्दोष पायल को क्यों दे रही हो? क्या क्या कहा आपने? बेचारी! आपके लिए वो कब से बेचारी होगी बुआ? मैं तो सोचती थी कि आप मेरी तरह नफरत करती हैं उससे, आप जैसे मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन आप लेकिन नहीं बुआ, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो पूरा खेल बाकी है और ये खेल तब खत्म होगा जब मैं बिंदिया को भी पायल के पास पहुंचा दूंगी, समझी आप? नहीं, तुम्हारी बहन अब तक जिंदा है, वो मरी नहीं है कि तुम इस तरह की सफेद साड़ी पहनकर यहाँ पर मातम मना रही हो। पायल मरे नहीं है, लीजिए आ गया फोन, उठाइए फोन, अब इस घर में मातम होगा, उठाइए उठाइए बुआ उठाइए। हाँ भाभी, पायल को होश आ गया। ये बुआ जाइए और की मौत का मातम बनाइए। जाइए बुआ जाइए। पायल को होश आ गया है, वो बिल्कुल ठीक है। सुना तुमने काजल? वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, पायल कैसे जिंदा है? उसे मैं मार डालूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है पायल क्यों बची? क्योंकि उसके परिवार की दुआएं उसके साथ। देखो, मैं तुमसे विनती करती हूँ काजल, बिंदिया का शरीर छोड़ दो, पायल को मारने का इरादा छोड़ दो बेटा, प्लीज छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ मैं पायल को मार दूंगी, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मुझे यहाँ आकर खड़ा कर दिया, उसे छोड़ दो। नहीं, अगर आपको उससे हमदर्दी होगी तो होगी, मुझे उससे सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम ऐसा नहीं करोगी। देखो बेटा, प्लीज समझने की कोशिश करो, दुनिया चाहे तुम्हारी हो या हमारी हो, लेकिन बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ काजल, और मैं तुझे पायल और बिंदिया की तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। Thank you.
भाई को जिंदा नहीं छोड़ सकती। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये दरवाजा, अपना दरवाजा खुला रखकर महेश, बिंदिया ने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मैं तुमसे माफी मांगता हूं। ये जहर का इंजेक्शन है पाया, और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गुड बाय पाया, तुम्हें तुम्हारा अंत मुबारक। किसने बना दिया इसे? सिस्टर, तुम ग्लूकोज की बोतल लेके आओ इमीडिएटली। तब तक मैं पायल को एग्जामिन करता हूं। के साथ कुछ किया?
जवाब दो, क्या क्या किया तुमने पायल के साथ? तुमने बोलो मुझे जवाब दो, तुमने क्या किया? जवाब मैं नहीं, जवाब आप देगी मुझे। पायल को वो तावीज़ किसने बनाई? अगर आज वो तावीज़ नहीं होती तो आज वो मेरे हाथों से बचती नहीं। लेकिन बुआ, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, जिसने भी उसे वो तावीज़ पहनाया है ना, उसे मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और अगर आपने भी ऐसा किया होगा ना, आपको भी जिंदा नहीं सुना। आपने पेशेंट को होश आ गया है। सब उनसे मिल सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, एक एक करके। डॉक्टर, पायल, अब कैसी है तू बेटा? मैंने मना किया था ना कि बिंदिया से। डॉक्टर, अब पायल कैसी है और कब तक उसे यहां रखना पड़ेगा? हम उन्हें 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर उनकी तबीयत ठीक रही तो कल आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। हे श्रीनाथ जी बाबा, आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि काजल पायल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। जय श्रीनाथ जी बाबा की। और हाँ, आप में से कोई एक इनके साथ यहां रुक सकते हैं। जी काका, आप सबको लेकर घर जाइए, मैं यहाँ पायल के साथ रुकता हूँ। पायल, चलो सुनो, पायल बेटा, देखो बुरा मत मानना, लेकिन इसी तावीज की वजह से तुम आज बच गई हो। इसलिए मेरी एक छोटी सी विनती है, देखो ये तावीज है ना, अपने से कभी अलग मत करना, कभी मत निकालना। श्रीनाथ जी बाबा हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। चलती हूँ। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर के कहने से पायल खतरे से बाहर नहीं आ जाएगी। जब तक बिंदिया वहाँ उस घर में है, पायल सेफ नहीं है। आज जब डॉक्टर उसे यहाँ से डिस्चार्ज करने के लिए कहेगा, तो क्या बिंदिया फिर से पायल पर अटैक नहीं करेगी? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पायल, तुम्हारा महेश पूरी कोशिश करेगा तुम्हें हर खतरे से बचाने की। हे श्रीनाथ जी बाबा, आपकी बहुत कृपा हुई कि आपने मेरी पायल की जान बचा ली। कुंजबल, अब समझ में आ रहा है कि तुम बाबा के पास वो तावीज लेने क्यों गई थी। पर इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम पहले से जानती थी कि ये सब होने वाला है। भाभी प्लीज, आप मुझसे कुछ मत पूछिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। देखिए, क्या हमारे लिए ये काफी नहीं है कि हमारी पायल उस तावीज की वजह से ही बची? पता नहीं क्यों कुंजबाला, मुझे ऐसा लग रहा है कि
तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। नहीं भाभी, वो पायल को वो तावीज किसने पढ़ाई? अगर आज वो तावीज नहीं होती तो आज वो मेरे हाथों से बचती नहीं। कुंजबला, वो भाभी भाभी वो क्या है कि बिंदिया को बहुत बुरी तरह से नजर लगी थी ना, और आपको याद है हरी भाई ने भी कहा था कि बिंदिया को नजर लगी है, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद हमारी पायल को भी नजर लगी हो, इसीलिए। फिर भी देखिए भाभी, आप हमेशा मुझे गलत ही क्यों समझती हैं? मैं भी पायल से प्यार करती हूँ, आप फिर मेरा विश्वास कीजिए भाभी। कुंजबाला का ये हृदय परिवर्तन कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल पायल को डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन जी काका, पायल को घर वापस लाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आज ही बिंदिया को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाए। क्योंकि जब तक बिंदिया इस घर को छोड़कर चली नहीं जाएगी, मैं पायल को वापस यहाँ लाऊंगा।